जैसा कि कल हम लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो आप सभी को मैंने बताया था कि हमारा प्रतिशत, क्योंकि वोटिंग उस समय तक चालू थी, तो हमारा जो एसी और पीसी दोनों का प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और अभी पीसी वाइज हम लोग पीसी यानी पोलिंग स्टेशन वाइज जब हम उसको कलेक्ट करते हैं तो वो तब एग्जैक्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है जब पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर की 17 ए जब उनका इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। लेकिन जो हम लोग उनसे अभी टेलीफोनिकली और बाकी हमारे कम्युनिकेशन के जो अलग अलग माध्यम हैं उनसे जब हम कलेक्ट करते हैं तब हमारे पास जो फिगर आता है वो अभी हमारे पास है। हर पोलिंग स्टेशन में क्या डाटा हमें अवेलेबल है उसको हम लोग फिर से कंपाइल करते हैं और उसको हम लोग एंड ऑफ द पोल का एक डाटा मानकर इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं। अभी जो मैं डाटा आपको बता रहा हूँ वो क्लोज ऑफ पोल का डाटा है। इसमें प्लस माइनस एंड ऑफ पोल का होता है क्योंकि पोलिंग स्टेशन वाइज प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की इंफॉर्मेशन के आधार पर जब तक हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन डीओ से नहीं मिलती है तब तक हम एंड ऑफ पोल का डाटा उसमें फिलअप नहीं करते। तो अब हमारा जो वोटर टर्नआउट है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो 72.74 है, उसमें अरुणाचल ईस्ट का 76.37 और अरुणाचल वेस्ट का उसमें 70.11। इसके साथ ही जो हमारे एसीज के वोटर टर्नआउट है वो है 76.44। आज हमारी लगभग 2212 पोलिंग स्टेशन से पोलिंग पार्टीज वापस आ चुकी हैं। अभी भी हमारे पास 14 हमारी जो पोलिंग पार्टीज हैं उनका आना बाकी है, जिसमें से 7 ताली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, 2 जो गाते गेसांग की हमारी पोलिंग पार्टीज हैं वो भी ऑन द वे है, अनिनी में जो अवोका और चैपे 2 पोलिंग स्टेशन हैं वो भी ऑन द वे हैं, और टूटिंग इंक्योंग की टूटिंग नामिंग और सिंगा 3 पोलिंग जो पोलिंग स्टेशन हैं उनकी पार्टीज ऑन द वे है। कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हमारे कुछ कुछ जो कैजुअलिटीज इस बीच में हुई हैं, कैजुअलिटीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इलेक्शन करवाते समय एक हमारे जो पोलिंग ऑफिसर थे चौकदाम यांगचांग बोरदुमसा में उनको हार्ट अटैक आया और उसमें उनकी डेथ हुई। श्री संजय पोल हैं जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे इंक्योंग में जैसा मैंने बताया कल, उनको अभी डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया था बट अभी उनकी हालत ठीक है। दिनेश कुमार पांडा हैं, ये स्टेट आर्म पुलिस फोर्स जो उड़ीसा की टीम हमारी आई हुई थी कुरुमकुमे में पोस्टेड हैं, उनको भी ट्रिम्स में बाद में हमें शिफ्ट करना पड़ा और अभी हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि ही इज ऑल्सो ऑन वेंटिलेटर और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर किसी अच्छी हेल्थ सुविधा के लिए शिफ्ट करें। केसांग गोयबा जो हमारे आर ओ रुमगोंग थे उनको भी थोड़ा सा स्ट्रोक जो आया है उनको भी हम लोगों ने शिफ्ट किया है। एक नामपुंग रेकांग कैजुअल लेबर थे वो वाज आल्सो कमिंग एंड देन ही गोट स्लिप समवेयर एंड देन इंजरी उनको हुई है, वो अपना कायंग में उनको भी भर्ती किया हुआ है उसमें। बाकी हमारी जो ईवीएम्स और वीवीपैट का जो डाटा है वो भी कल से थोड़ा सा बाद में बढ़ा है और उसमें जो बीयू हैं वो 16 हम लोगों ने चेंज किया, डिफेक्ट देवर एक्चुअली फाउंड डिफेक्टिव एंड सीयू हमने 20 चेंज की और वीवीपैट में 36 हमने एसी में चेंज किया। पीसी में हमारा जो डाटा है बीयूज का 12 है, सीयू का 18 है और वीवीपैट का 38 है। अभी कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे हमें हमारी ईवीएम्स के रिलेटेड जो डिफेक्टिव और जो इनको बदलना पड़ा उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, उनमें से कुछ 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे पाके केसांग, सियांग, करादादी, ईस्ट सियांग, शिओमी, अपर सियांग, ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनसे अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी हम उनसे शेयर करेंगे। इफ एनीथिंग टू बी आस्क्ड प्लीज आस्क।
रीपोलिंग का जैसा कल मैंने बताया था कि ये स्क्रूटनी होने के आधार पर ही है, तो कुरुंकुमे में अभी स्क्रूटनी चल रही है, ईस्ट कामेंग में स्क्रूटनी चल रही है, बोलेंग में कल होगी, सियांग में कल, अपर सियांग में कल होगी, और लीकाबली में भी चल रही है। इसका मतलब है कि इन इन डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा हमारे सब जगह पे स्क्रूटनी हो चुकी है। सो बाय एंड लार्ज इट वॉज ए पीसफुल इलेक्शन। इन चार डिस्ट्रिक्ट से जो इन्फॉर्मेशन जैसे ही आती है रिपोल के बारे में, वो हम लोग फिर क्योंकि आरओ को अपनी रिपोर्ट में भेजना होता है, ऑब्जर्वर अपनी जब रिपोर्ट भेजेंगे तो उसी आधार पर हम इलेक्शन कमीशन को वो रिपोर्ट भेजेंगे। नहीं, कोई रिपोल नहीं होगा, रिपोल की कोई खबर नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि स्क्रूटनी के बाद ही वो इन्फॉर्मेशन हमें आती है। यहाँ पर जब तक पोलिंग पार्टीज वापस नहीं पूरी नहीं आती है, तब तक स्क्रूटनी हम लोग नहीं करते। बेसिकली अभी चार मैंने दापुर जो मैं बोला था उनकी स्क्रूटनी चलेगी, उसमें से चार में से कितने रिपोल वो लोग सजेस्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, और एक हमने न्यापिन के लिए बोला था, पांच अभी हो गए। बट जी लाइटली, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट कि उसमें, क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली अंदर पोलिंग स्टेशन में क्या हुआ है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी होगी 17A, ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट होगी, वो सारा जो भी आपके कैमराज वगैरह देखने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट देंगे, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम लोग इलेक्शन कमीशन को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। नहीं नहीं, डिफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो जब भी एक BU, CU और VVPAT में कोई इशू होता है, आपको भी पता है कि EVM को FLC के दौरान, फिर फर्स्ट रेंडमाइजेशन, सेकंड रेंडमाइजेशन और कई सारे चेक होते हैं उसके, और वो पोलिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आंखों के सामने करते हैं। इवन जब कमीशनिंग होती है उससे पहले भी 50-50 या 5% के, जब पोलिंग पार्टी जब पोल शुरू होता है उससे पहले भी मॉक पोल होता है, उससे उसके जब हम लोग कमीशनिंग करते हैं तब भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेजेंस में कमीशनिंग होती है और उनसे मॉक पोल कराया जाता है, उनसे खुद से। FLC के दौरान भी जो इंजीनियर आते हैं वो चेक करते हैं, और मशीन का जो डिफेक्टिव है कि कौन सा वायर किस तरह से लगाना है, किस तरह से उसको यूज करना है, अगर वो चीज़ नहीं होती है तब हमारे पास एज पर ECI गाइडलाइन हमें तुरंत उसको रिप्लेस करना होता है। डिफेक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो मशीन ख़राब हुई है, अगर हमें किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ आती है कि कोई इरर उसमें आ रहा है, तो हम लोगों के पास रिजर्व EVM होती हैं और हम लोग तुरंत उसमें वोटिंग हम शुरू करते हैं रिजर्व EVM के साथ। कई सारी चीजें हैं, कई मैंने अभी आपको डाटा दिया कि जो EVMs हैं उनमें जब चेंज करते हैं, जब भी कोई एरर आती है हम उनकी प्रेजेंस में, और जब भी हम लोग किसी भी नई EVM को शुरू करते हैं तो पहले मॉक पोल होता है, और मॉक पोल भी हम लोग उनकी प्रेजेंस में, उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स हैं, उनके कैंडिडेट्स हैं, उनके सामने पहले मॉक पोल कराते हैं और फिर ही इलेक्शन में उसका यूज करते हैं। ऐसा भी कोई एलिगेशन है क्या सर कि सगाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी दबाव बीजेपी का निकल रहा था? पता नहीं ऐसे कैसी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ से लाते हैं? कांग्रेस का एलिगेशन है सर, इसलिए मैं आपको पूछूं। नहीं, एलिगेशन ये कैसे हो सकता है जब आपके सामने, हमें नहीं पता कि कौन सी EVM कहाँ और किस समय यूज हो रही है, उनके सामने उनको जो कमीशनिंग होती है, जो भी स्ट्रॉन्ग रूम से जब भी कोई EVM निकलती है उसमें उसके नंबर उनको सबको वितरित किए जाते हैं। हमारे साथ भी 3-4 बार मीटिंग हुई, उनके सारे डाउट्स को हमने क्लियर किया, उसके बाद उनके जो एजेंट है उनको खुद को EVM में मॉक पोल पहले उनके हाथ से कराया जाता है, जैसा कि बताया कि कमीशनिंग के टाइम में भी उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ध्यान में रखते हुए उनके हाथों से पहले मॉक पोल होता है। तो ये कहना बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है कि अगर होता तो वो मॉक पोल के दौरान ये पता चलता और फिर उसी समय VVPAT में कौन सी स्लिप आ रही है उनको हमको डिस्ट्रॉय करना होता है, वो तो उनके सामने ही है। अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी कंप्लेन होती तो हमें मॉक पोल के दौरान ही मिलता है। कांग्रेस का जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने आज सिपा में जो इंसिडेंट हुआ था खास करके बाबिन का बारे में बताया कि वहाँ बहुत पोल रेकिंग हुआ, काफ़ी मारपीट हुआ वहाँ में, और
जिसका वजह से पूरा पोल प्रोसेस में बहुत डिस्टर्बेंस हुआ. दे वांट दैट द पोलिंग प्रोसेस ऑफ दैट पोलिंग स्टेशन शुड बी सस्पेंडेड, अदरवाइज दे मे कैरी आउट डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन फ्रंट ऑफ निर्वाचन भवन. इन फ्रंट ऑफ निर्वाचन भवन अगर उनको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा इसमें कोई सीधा कोई रोल नहीं होता है. हमारे पास जो भी डीओ और आरओ की तरफ से जो रिपोर्ट आएगी, हम लोग एक सी ऑफिस से उसको आगे बढ़ाएंगे. और जैसा मैंने बताया कि वहाँ अभी भी स्क्रूटनी चल रही है. स्क्रूटनी का मतलब ये नहीं है कि केवल एक चार कागज चेक करके इस पर देखा जाता है, उसमें पूरा जो भी आपने बताया कि अगर बामेंग में वो हैं तो उसी समय उनको आरओ के उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं आरओ को अपना रिप्रेजेंटेशन दें. वहाँ ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के और बहुत सीनियर ऑब्जर्वर वहाँ पर हैं, वो उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ के पेपर्स को देख सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डायरी देख सकते हैं, बाहर का जो स्थिति उसको आकलन करने के बाद ही वो किसी प्रकार की रिपोर्ट भेजेंगे. और जब मैंने कहा कि वहाँ अभी भी स्क्रूटनी चल रही है तो आई एम नॉट इन द पोजिशन टू कमेंट ऑन दिस एलिगेशन. बिल्कुल, पहले जैसे कि IRBM के एक हमारे जो नाका पर रागा में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो हम इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको 15 लाख रुपए हम लोग ने तुरंत एक्स ग्रेशिया पेमेंट हम उसको देते हैं. लुमडिंग में काफ़ी सारा गाड़ी को तोड़ा गया, काफ़ी लोगों को मारा गया, आपके नॉलेज में है कि नहीं मालूम है, और वहाँ के जो पोलिंग जो ऑफिसर होते हैं दारू पी करके जो कैंडिडेट के साथ झगड़ा होगा किया, आपको शायद नहीं मिला मालूम, उसके ऊपर क्या कहें? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बाहर जहां वो होती है उसके लिए स्टेट अथॉरिटीज़ काम कर रही है, और हमने साफ भी बोला था कि हम किसी भी प्रकार की कोई भी वॉयलेंस ना तो अंदर और ना बाहर स्वीकार करेंगे, और जहां जहां पर भी वॉयलेंस हुई है उसी हिसाब से हम लोगों ने एक्शन भी इनिशिएट किए हैं. और वहां पे जो बीजेपी कैंडिडेट थे उनके मिसेस पैसा भी बांट रहे थे, ऐसे भी सुनने को इस सुनने पर मिलने से मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा. मैं तो आपको बोलता हूँ कि अगर आपको भी कोई भी एविडेंस मुझे जहाँ मिलते हैं, चाहे वो कोई सीनियर ऑफिसर के अगेंस्ट में हो, चाहे पुलिस अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगेंस्ट में हो, चाहे किसी और पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में हो, जहाँ पर भी हमको शिकायत मिली है और हमें एविडेंस मिला है, हमने एक्शन लिया है. देखिए, हमारे जो आरओ हैंडबुक के हिसाब से आरओ उसमें 4:55 पे जैसे मैंने बताया कि जितने लोग पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, चाहे वो 1000 हों, चाहे 100 हों, चाहे 2 हों, उनकी लिस्ट जो जो वोटिंग जो स्लिप है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बाहर आकर देता है. और जैसे अगर 1000 लोग हैं तो 1000 वो स्लिप देगा, और चार लोग हैं तो 4 स्लिप देगा. अब वो कितनी बजे तक चले उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि उनको सबको वोट देने का अधिकार है. इसमें थोड़ा सा काफी लोगों ने हम लोगों को फोन भी किया है, खास करके जयरामपुर से हम लोगों को जो शिकायत मिला था कि ईवीएम को बदला गया था रात को 12 बजे, तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है ना? नहीं नहीं, अगर 12 बजे तक भी वोटिंग, तो सर एक चीज, या तो क्या हम मान लेते 2 दिन वोटिंग प्रोसेस हुआ होते हैं? देखिए, वो 2 दिन हो चाहे 4 दिन हो, बेसिकली जितने लोग पोलिंग स्टेशन पर आ गए 4:55 पर, उस समय के बाद चाहे कितने भी लोग हों सबको वोट देने का अधिकार है. 12 बजे उस पर्टिकुलर जो ईवीएम है उसमें उसका टाइमिंग जो 12 बजे के बाद वो उसको क्लोज करना होता है, और अगर आपको 12 बजे तक भी वोटिंग चल रही है तो फिर उसको दूसरी ही पोलिंग जो ईवीएम है वो यूज करनी पड़ेगी. आज सुबह कितना बजे तक सर अरुणाचल में, क्योंकि जहाँ तक हम लोगों को खबर मिला था लगभग 15,000 का स्लिप दिया गया था, 15,000 लोगों को पूरा, वो भी हम लोग गिनती कर रहे हैं कि टोटल कितने हर पोलिंग स्टेशन के वाइज कितने कितने वोटर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट किए गए, वो हम लोग आपको डाटा मुहैया करा देंगे. वो भी हमारी वेबसाइट पे भी होगा और हम लोग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे. ये तो कॉम्पेंसेशन मतलब के लिए कितना देंगे और ये के लिए कितना, वो हम इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से एक्सग्रेशिया पेमेंट जो भी होता है, जिसमें अगर इंजरी हुई है, किसी की डेथ हुई है, वो एज पर द स्टेचुटरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दिया जाएगा. बट डेथ में हमने 15 लाख रुपए का प्रोविजन रखा. सर, जैसे कि ड्यूरिंग पोलिंग स्टेशन जब ड्यूटी लगता है तो उसमें हेल्थ को वो लोग अंडरटेक करके नहीं देखते हैं?
नहीं ऐसा नहीं है, सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो जब उनका रिक्विजिशन किया जाता है तो उनकी ड्यूटी हम लोग नहीं लगाते हैं, उनकी ड्यूटी होती है रैंडमाइजेशन के आधार पे, कौन सी पोलिंग, जैसे मैंने बताया कि कौन सी पोलिंग, कौन से पोलिंग बूथ पे कौन सी मशीन जाएगी, कौन व्यक्ति जाएगा, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड आफ्टर रैंडमाइजेशन। इसलिए वो बिल्कुल लॉटरी की तरह होता है। आप अगर जो पर्टिकुलर किसी भी प्रकार का एलिगेशन अगर लगाएं कि उस पर्टिकुलर बूथ पर एक ईवीएम को यूज किया गया या उस पर्टिकुलर आदमी को यूज किया गया, वो नहीं होता है। एक्सेप्ट कुछ एग्जेम्पशंस हमने इस बार लिया था जिसमें जो हमारे रिमोट एरियाज हैं जहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पे हमने यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस रखे थे ताकि वहाँ बड़े बूढ़े जो लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ जाना ना पड़े। तो एग्जेम्पशन के आधार पर इलेक्शन कमीशन में और हमारे यहाँ पे कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं जिसमें बहुत सारे सरकारी जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं होते हैं, तो हम लोग एक जो पोलिंग ऑफिसर है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट में जो है उनको भी हम यूज करते हैं, जो कि सीधा सीधा उसका पोलिंग से कोई संबंध नहीं होता। ऐसे एग्जेम्पशंस हम लेते हैं रिमोट एरियाज के लिए, बट अगर किसी पर्टिकुलर हेडक्वार्टर में या आसपास में जहाँ पर हमारे पास ऑफिसर्स उपलब्ध हैं, जहाँ पर हमारी रेंडमाइजेशन की आवश्यकता है, वहाँ हम लोगों को नहीं पता होता कि कौन किस समय किस व्यक्ति को ये ड्यूटी मिलेगी। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनका ये उनकी ड्यूटी होती है, रिक्विजिशन किया जाता है, उस आधार पर उनकी ड्यूटी लगती है। अब ये इसके बारे में तो कुछ बोला नहीं जा सकता कि हमारे जैसे आरओ हैं अभी रोंगों के, वो भी बीमार हुए है ना, यानी कि कितने लोग हैं, मैंने बताया 50,000 से लोग ज़्यादा इस बार इलेक्शन में काम कर रहे हैं, और 50,000 में से अगर चार लोगों को किसी प्रेशर की वजह से किसी उस पर्टिकुलर व्यवस्था में चार लोगों को अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हम लोग उसको एक जस्टिफाई नहीं कर सकते या जनरलाइज नहीं कर सकते कि कुछ लोग बीमार थे इसीलिए उनको ये परेशानी हुई। होटल्स में भी चलाया गया था जहाँ पे कुछ पोलिंग ऑफिसर्स लोग हैं नेपालियों के जो सर्कल है वहाँ पे पहाड़ों में चल के वो लोग को लेके ऑफिसर्स लेके जा रहे थे, एंड देन सम पीपल वर सेइंग कि ये एक्सेल ग्रुप दे रहे शॉप का ग्रुप है ये वो एक्सेल ग्रुप एक है ब्रिज एक ब्रिज है लेकिन वो जिस तरह दिखाया जा रहा था वो पहाड़ों पर जा रहा था। अगर आप हमको वीडियो भेजेंगे तो हम लोग उसको वेरीफाई करा देंगे, क्योंकि आपके ऐसे जैसे हम लोग हर वीडियो को इसको इस प्रकार से वेरीफाई क्यों हमें नहीं ऐसे देखिए ऐसे तो मैंने बताया ना कि अरुणाचल का टेरेन बहुत मुश्किल है कई जगह और बारिश होने के बाद और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कई ऐसे हमारे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे फुट मार्चेस के द्वारा ही चले जाते हैं, कई P3 हैं, 3 दिन चलना है, 4 दिन चले भी हैं, 2 दिन का भी है, 1 दिन का भी है, तो वहाँ ये मुश्किल तो है। इवन मैंने बताया कि नेशनल मीडिया में भी मैंने देखा कि कई न्यूज चैनल्स ने भी इसको दिखाया कि हमारे यहाँ पे कितना मुश्किल है कि पोलिंग पार्टीज़ कितनी मुश्किल के साथ जाती है, और उन सबका हमको धन्यवाद देना चाहिए कि पोल कराने के लिए ऐसी जगह पे भी जाकर हम लोग पोल करते हैं, एक वोट के लिए भी 6 घंटे चलना पड़ता है यहाँ पे। हे भगवान आपको हर बार देना पड़ता है। मुझे आप लोगों को नहीं जैसे यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन भी बनाया ये सब स्पेशल क्रिएटिव आप लोगों ने किया जी, तो लोगों को भी जानना जरूरी है। ये मैंने आपको शायद शुरू में बताया था, हर बार ठीक है ये डाटा भी हम आपको दे देते हैं। सर एक चीज और थोड़ा सा जानकारी, बट यूथ मैनेज वही होंगे जहाँ पर पैदल जैसे बता रहे ना जहाँ चलना पड़ेगा उसमें। सर क्योंकि पोलिंग काफी रात तक डाटा नहीं मिला तो शायद एक चीज बता दीजिए जी, यदि जानकारी है तो, हाँ कितना बजे तक आज सुबह तक पोलिंग होते रहा और कहाँ में हुआ, लास्ट पोलिंग कब हुआ सर? वो डाटा हमको ऐसे टाइमिंग वाइज सर आपको याद होगा कि हमारा पोलिंग संपन्न हो गया, खत्म हो गया वोटिंग प्रोसेस,
वो एक चीज बता नहीं, हम बता रहे हैं ना कि जैसे कच्छ, कल मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए थे, जैसे कि चांगलांग है बोरदुमसा में, नामसाई, दोईमुख, फिर उसके बाद जीरो याचुली में, फिर अपर सियांग गेकू में, फिर पासीघाट में, बहुत सारी जगह पे हैं जहाँ पे लाइन थी रात को और वहाँ पर वोटिंग चल रही थी। कहीं पे 2 बजे तक भी हम लोग टच में था सकते हैं। हाँ तो लेकिन लास्ट हम लोग जानना चाहते हैं कि लास्ट वोटिंग कहाँ हुआ सर? वो भी जैसे ही हमको मिलता है आपको दे देंगे टाइमिंग वाइज। सर हाईएस्ट पोलिंग को कौन सा सबसे लोएस्ट? वो डाटा अगर पीसी वाइज चले हम लोग एसी वाइज तो ईटानगर में 38 के आसपास हमारा सबसे लोएस्ट अभी दिख रहा है के आसपास। जी जी ओनली ईटानगर कैपिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटानगर पीसी में, ठीक है। और बहुत अच्छी संख्या में लोगों का जैसे 33 नहीं भाई 33% जो वोटर टर्न आउट, उसके बाद जैसे पालिन में 84% है, 84 ही लुमला में है, देन लुमला भी आपने बताया, मैं बताता हूँ 91% हमारा चांगलांग साउथ में है, 85% पोंगचुआ वाका में है, कानुवारी में 91% है। तो इस प्रकार से जो हाईएस्ट है वो भी काफी 90-95% भी हुए हैं। इनका सर पूछना था कि अरुणाचल में कौन सा पोलिंग स्टेशन में हाईएस्ट पोल हुआ है और कौन सा पोलिंग स्टेशन में लोएस्ट पोल हुआ है? लोएस्ट पोल मैंने बोला ना ईटानगर में जो कैपिटल, नहीं पूछना सर एक पोलिंग स्टेशन जिसको आप याद करेंगे सबसे कम पोलिंग हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बता रहा हूँ मैं, परसेंट बता रहा हूँ वोटर टर्नआउट, यानी सर हम लोग पोलिंग स्टेशन का बात कर रहे हैं सर, आप परसेंटेज का बात कर रहे हैं। ओवरऑल आप सिंगल पोलिंग स्टेशन की अगर आप बात करोगे तो जो हाईएस्ट 100% हुआ है हमारा हाईलियांग की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मालोगांव। सर न्योविया हम लोगों को खबर मिला था न्योविया 864 पोलिंग, क्या सही है क्या? हाईएस्ट तो 100% होता है और yes, वो sir, वो saying about 100%. तो वो हेलियांग हुआ ना? No, Novia polling station in Tali, whether it is correct or not. No, I don't get. Tali का तो अभी हमारे पास पार्टी आनी है, बताया मैंने आपको। ताली की तो अभी हमारे पास आनी है, अब आपकी रिपोर्ट तो हम ऑथेंटिक रिपोर्ट की बात करते हैं, हम आपके हियर से और किसी भी प्रकार के वायरल वीडियो के आधार पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देखते। हाँ तो ये आपको व्हाट्सएप के जो मैसेज है उसमें लिख देंगे। थैंक यू, थैंक यू।